हेलो गाइस, आज आपां गल करदे हैं साडी 8वीं क्लास दे सैकंड चैप्टर दी, जिसका नाम है जंगलां दे लाभ। जंगल कुदरत दी बहुत वड्डी दात हन। आज इसका सानू भी पता है, इहदे विच आपां की पढ़ांगे, जंगलां दे फायदे किहड़े हुंदे आ, उहदे विच जिहड़े पेड़ पौधे आ उहनां दा साडी लाइफ दे विच की हैगा, बेनीफिट की है, ते सानू उहनां लई की करना चाहिए, इस चीज़ दे बारे च आपां अध्ययन करांगे। जंगल कुदरत दी बहुत वड्डी दात हन। कई लोग जदों हजारां मीलां विच फैले जंगलां नूं देखदे हन तां सोचदे हन कि धरती दे एडे वड्डे वड्डे टोटे क्यों बिखरे पए हन। मतलब की है कि कई जगह ते खाली जगावां पईआं हुंदीआं हन। फैले जंगलां नूं देख के उह की कहिंदे हन कि इन्नी खाली जगह जिहड़ी पई है उह व्यर्थ ही पई है, इहनां दी थां वड्डे वड्डे शहर वस सकदे हन। उहनां उह की कहिंदे हन कि इहनां दी जगह ते वड्डे वड्डे शहर, होस्पिटल्स, स्कूल्स, अलग अलग चीज़ां बन सकदियां हन। अगे है, पर उन्हां नूं पता नहीं कि मनुख दी खुशहाली दे सुख लई इह जंगल बहुत जरूरी हन। जिस तरह किसे वड्डे शहर दी सेहत लई बाग अते त्याल होने जरूरी हन, इसे तरह किसे देश दी सेहत लई जंगलां दा होना बहुत जरूरी है। मतलब इहदे विच की कहा गया कि उन्हां नूं पता ही नहीं है भी उह खुली जगह नूं, जिस नूं आ कह रहे ना व्यर्थ पई है, उही साडी खुशहाली दा सब तों मेन जिहड़ा टॉपिक हुंदा उह है। जंगल जिहड़े हैगे उह साडे लई बहुत जरूरी हन। जिस तरह वड्डे शहर हुंदे हन ते उहदे विच सेहत लई बाग बनाए जांदे हन, तलाब बनाए जांदे हन, उसे तरीके नाल ही जंगल साडे लई, साडे देश लई, साडी सेहत लई बहुत जरूरी हन। देश दे शरीर विच जंगल वड्डे फेफड़िया वांग हन, जिवें फेफड़े ना होण तां आदमी दा साह कुट्टिया जांदा है, इसे तरह दे जंगल ना होण तां देश दा साह कुट्टिया जावे। अगर जंगल ही ना होण तां पर्यावरण प्रदूषण इन्ना ज़्यादा वध जाऊगा कि सानूं साह लैणा भी बहुत औखा हो जाऊगा। तो इस दी तुलना कवि ने किहदे नाल कीती है, जंगल दी ते आदमी दे फेफड़िया दी तुलना कीती है कि जिस तरीके नाल आदमी दे फेफड़े ना होण तां आदमी दा जीउणा बहुत मुश्किल हुंदा है, इसे तरीके नाल ही उसने कहा है कि जंगल दे विच अगर शहर दे विच जंगल ना होण तां की है कि साडा जीना बहुत मुश्किल हो जाऊगा। इस तरह शरीर विच सेहत भी, सेहत दी भुख है, जिस तरह शरीर विच सेहत दी भुख है, इसे तरह आदमी दी आत्मा नूं सुंदरता दी भी भुख है। जिस तरह कि अपने शरीर लई सेहत नूं ठीक रखने लई भुख लगदी, उस तरीका आदमी दी आत्मा नूं सुंदरता दी भी भुख हुंदी है। जंगल दे शानदार नज़ारे आदमी दी इस भुख नूं जुगां जुगां तों तृप्त करदे हन। मतलब कि जिहड़ियां साडियां जरूरतां हन इहनां नूं पूरा कौन करदा है? जंगल ही तां करदा है। मनुख सदा कुदरत दी इस महान सुंदर रचना वल्लों खिंचया जांदा रहा है। पिछले समयां विच ऋषि लोग जंगलां विच रह के तपस्या करदे हन। शायद ही कोई अजिहा हिंदुस्तानी महापुरख होवेगा जिस दा संबंध जंगलां नाल ना होवे। मतलब की है कि ऐसा कोई भी लोग है नहीं सी जिसने की है जंगल दे विच तपस्या ना कीती होवे। ते की कहिंदा है कवि कि शायद ही ऐसा कोई हिंदुस्तानी महापुरख होगा जिसने की है जंगल दे विच तपस्या ना कीती होवे। श्री रामचंद्र जी ने 14 वरे बन विच कट्टे। आ गल तां आपां नूं भी पता है कि श्री रामचंद्र जी ने की सी 14 वरे मतलब कि साल 14 साल दा वनवास कीता सी। अगे की दित्ता होया है कि महात्मा बुद्ध ने भी संघने जंगलों विच बोहड़ दे हेठां बह के ज्ञान होया कि जिहड़े महात्मा बुद्ध सीगे इन्हां नूं भी जंगलों दे विच ही तां रहिंदे सी, ते जंगलों दे विच किहड़ा पेड़ सी? बोहड़ दे हेठां बह के उन्हां ने तपस्या कीती सी, ते उस नाल उन्हां नूं की है ज्ञान होया सी किस दा? जिहड़ा महात्मा बुद्ध सी उन्हां नूं जैन धर्म दा ज्ञान होया सी। शुरू विच जदों शहर तों बस्तियां नहीं बणियां सन तां जंगल ही आदमी दे घर सन। शुरू विच की सी? शहर ते बस्तियां तां नहीं बणियां होईयां सी, आ गल तां आपां नूं भी पता है, ते ज़्यादातर जंगल ही की सी? आदमी दे घर सन। हुण वी जद असीं शहर विच बाग लाउंदे हाँ तां इस दे पिछे जंगलां लई मनुख दी सदीवी तांग लुकी हुंदी है। ते इस बाग लाउण दा वी अपना मेन कारण की हुंदा है? भी आपां पेड़ पौधे लाउणे आ, जंगल दे प्रति जिहड़ी उहदी थोड़ी जी मनोभावना हुंदी है उही तां नज़र आउंदी है। भी उह बाग लाउंदा है, सुंदरता दे रूप च ही तां लाउंदा है। इस विच कोई संदेह नहीं कि वड्डे वड्डे शहर बना के मनुख ने बहुत उन्नति कीती है। आ गल तां ठीक है कि साडे देश ने वड्डे वड्डे शहर बना के उन्नति तां बहुत कीती है, पर ज्यों ज्यों मनुख कुदरता दे महान जंगलों दे खुले डुले जीवन तों दूर हुंदा गया अते लोहे ईंटा अते सीमेंट दे पिंजरियां विच अपने आप नूं कैद करदा गया, उसकी सेहत डिगदी गई। इस विच की है कि मनुख ने वड्डे वड्डे शहर बना के आपदी उन्नति विकास तां कर लिया, ते पर धीरे धीरे उह की है ईंटा लोहे ते सीमेंट दे पिंजरियां दे विच आपदे आप नूं कैद करदा जा रहा है।
ते नाल ही जंगलां दे खुले डुले आचरण तो दूर हुंदा जा रहा है। अन्न दे संकट करके कुछ देशों विच सरकार ने बहुत सारे जंगल कट के जमीन नू हल हेठ लै लिया। तो अन्न दे संकट मतलब कि जनसंख्या वधन दे कारण जड़ियां जरूरतां सी ओह पूरियां ना होण करके सरकार ने की कीता, जंगलां नू किस हेठ लिता, हल दे हेठ, मतलब कि फसल उगाउण दे लई अपने हेठ कर लिया। पर शुरू शुरू विच तां इह तजर्बा बहुत सफल नज़र आया, पर छेती ही आदमी नू अपनी इस मूर्खता की सज़ा मिलनी शुरू हो गई। भी उस दी मूर्खता सी कि उन्हें पेड़ पौधे कट के उत्थे हल वाउण लई जगह तो बना ली। कुछ टाइम तक तो बहुत इंदा फायदा होया, लेकिन बाद चो नू आपदी मूर्खता ते की है पछतावा होण लगा। जंगलां दे कट्टे जाण नाल कुदरत दे कानून अनुसार जलवायु विच बहुत तब्दीली आ गई, जिस नाल की होया जंगल बहुत कट हो गए ते वायुमंडल दे विच की है बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। अगे है प्राकृति का असूल है कि जंगलों नाल वायुमंडल बड़ा शीतल हुंदा है। कि प्रकृति का की वसूल है कि जंगलों नाल वायुमंडल की है साडा बहुत सुंदर बनता है। जब बदल समुद्र वालों उड के आते हैं, किधे वालों समुद्र वालों उड के आते हैं, तो मरुथलों उत्तों की मीह वर पैंदा, मरुथलों उत्ते तो मीह पैंदा ही सी, मीह लंघ जाते हैं बिना मतलब की सी कि जो अपने पेड़ पौधे से जंगल से तो जो समुद्र के विचों बदल उड़ते सन आते सन तो मरुथलों में मीह पैंदा सी, पर जंगल ना होने करके कि वह बिना मीह पाए ही लंघ जाते हैं। जो जंगलों उत्तों की लंघते हैं तो वायुमंडल ठंडा होने करके मीह वर पैंदा, लेकिन जो जंगलों के उत्तों की लंघते हैं तो की होंदा, वायुमंडल ठंडा होने करके मीह पैंदा। तो जो मरुथलों उत्तों की लंघते हैं तो बिना पेड़ पौद्या तो उत्थे जड़ा वातावरण होंदा बहुत गर्म होने करके उत्तों की बिना मीह पाए ही लंघ जाते हैं। यही कारण है कि जंगलों नाल ढके हुए पर्वतों उत्ते बहुत मीह पैंदा। यही की कारण है कि जिथे जंगल है, पर्वत है, हरियाली है, उत्थे तो बहुत मीह पैंदा है। इस तो अगे मरुथलों उत्ते बहुत घट मीह वर्खा पैंदी है, लेकिन की है मरुथलों उत्ते बहुत ही घट की है वर्खा हुंदी है। क्यों? क्योंकि उत्थे पेड़ पौधे जंगल बहुत घट हैं। सरकारी रिपोर्टा विच मन्या गया कि जिथे जिथे जंगल कट्टे गए हैं उत्थे उत्थे मीह कट गए हैं। भी मतलब सरकार ने फिर इस चीज़ से नोटिस किया भी जिथों जिथों जंगल कटा दिते गए हैं उत्थे उत्थे ही मीह पैना कट गया है। यह इलाके कुछ चिर फसलों देन मगरों बंजर हो गए सन। तो जिथों उन्होंने की है कि जंगल की जगह उन्होंने हल लई जड़ी जमीन लई सी, उस जमीन ने कुछ टाइम तक तो फायदा दिता, लेकिन बाद दे विच की होया वह एक बंजर भूमि दे विच बन गई। यह गल वल भारत सरकार ने उचेचा ध्यान दिता है। भी इस गल वल की है भारत सरकार ने बहुत ध्यान दिता है कि आखिर साडा नुकसान बहुत होया है। हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है। हर साल की मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है और लखां नवे बिरख लाए जाते हैं। तो सरकार ने उस मूर्खता को सुधारण लिए की किया है कि एक वन महोत्सव मनाया जाता है तो उस दिन की है नवे तो नवे पेड़ पौधे लाए जाते हैं। इस तो छुट जंगल होर भी अनेक मनुखी लड़ा नू पूरा करते हैं। मनुखी लोड़ा जड़िया हुंदियां साड़ियां बहुत जी जरूरत हुंदियां, उसनू पूरा कौन करते हैं? पेड़ पौधे ही तो करते हैं। जंगल की लकड़ी नाल असी मकान बनाते हैं, फिर मकान के अंदर कुर्सियां मेज मंजे पीढ़ियां भी जंगल की ही दात हैं। जे जंगल विच लकड़ी ना होवे तां चुल्हे विच अग ही ना होवे बल्ले भी अगर लकड़ा ही नहीं होणगे तां साडी जरूरत की कुर्सी मेज मंजे भी नहीं बनणगे, ठीक है, घर भी नहीं बनणगे, तो लकड़ियाँ नहीं होणगियां तां चुल्हे दे विच अग भी नहीं चलू बचू मचूगी या बलूगी। सर्दी विच लोक पाले नाल ठर जाणगे, सर्दी विच जिहड़ी आपां मिठी मिठी अग दा नज़ारा लैंदे हैं यह भी नहीं होगी, तो ठंड दे नाल बुरा हाल हो जाऊगा। लकड़ी नाल ही किश्तियां निक्के जहाज अते गड्ढे रेड़े आदि बनाए गए हैं। जो इन्हें जे यह ना हो की होगा, व्यापार अद्धा ही रह जावे अते कई थावां ते चीज़ां ना पहुँच सकन करके की है पहुँचन करके काल पै जावे। अगर आ चीज़ां नहीं आनगियां, लकड़ा नहीं आनगियां, तो लकड़ा तो जरूरत नाल जड़ियां चीज़ां बनदियां वो नहीं बनणगियां, तो उस करके की होगा कई जगह पर अकाल पै जूगा। जंगलों के जा सब तो वड्डा लाभ यह है कि बिरखां दियां जड़ां नाल धरती पैल पौली हो जाती है। की हुंदा है कि जिथे जंगल हुंदे है उत्थों दी जड़ी मीह पैंदा है, तो मीह नाल की हुंदा है जड़ां नाल धरती पौली हो जाती है, तो वर्षा का पानी सहज ही चूस लैंदी है, तो जड़ा मीह का पानी हुंदा धरती चूस लैंदी है। जे जंगल ना होण तां पहाड़ां उत्ते वसे मीहां दा पानी सारे दा सारा रुड़ के दरियावां विच आ डिगे अते मैदानां विच हजारां पिंडां नू तबाह कर देवे। अगर जंगल ना होण तां पहाड़ां ते जदों मीह पैंदा है ते मीह दे नाल जिहड़ा पानी इकट्ठा हुंदा उह सारा रुड़ के
ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਫਟੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ 'ਤੇ ਆਊਗਾ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਬਿਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਿਰਖ ਹੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਗਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਗਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਰਖ ਲਾਉਣੇ ਘੱਟ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੋ ਜੰਗਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਕੜੋ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਰਬਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਪਰਬਤ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੇੜ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਪਰਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਬਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੋਪਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਆਪਣੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲੀਆਂ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੋਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜੰਗਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਕੱਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਲੀਲਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਜੰਗਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਖੋ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੰਗਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਲਾਂ ਬੁੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋ, ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ
हनुमान एक दूर दे पहाड़ तो पुट के लिया सी। अगे देखो अते जिस दे लोन नाल सारे लोन नाल लोन सारी लक्ष्मण जी दे फुट ठीक हो गए सन। फुट मतलब सट ठीक हो गई सी। जंगलों का सब तो वड्डा लाभ यह है कि मनुख नू रोज़गार देंदे हन। मनुख सानू मनुखा नू रोज़गार ले कि जा सब तो ज़्यादा वड्डा रोज मतलब लाभ किदे तो है जंगलों तो ही है। करोड़ा आदमी जंगलों ते उन्हां विच पैदा हुई चीज़ां सदका कम लगे हुए हैं। यह लीला दियां डब्बियां दा कारखाना भी लै लो। तिलां दियां डब्बियां जड़ियां साड़ियां अग मचाउंदे विच कम आउंदियां हन। जंगल है तां ही आ कारखाना हैगा। दुनिया के लखां आदमी पहाड़ां ते आई चीड़ दी लकड़ी सदका इन्हां कारखाने विच कम करदे हन। ते दूजा की इसने दस्या कि चीड़ दी लकड़ी दा भी कारखाना जड़ा हैगा वह जंगलों के होण कारण ही है। इसे तरह जिस कागज़ उत्ते तुसीं लिखदे हो इसे नाल ही जिस कागज़ उत्ते आपां लिखदे हाँ अते जिस उत्ते छपियां किताबां तुसीं पढ़दे हो यह भी जंगल दी लकड़ी अते घाह फूस तो ही वड्डियां वड्डियां मशीनां विच पै के बनाए जांदे हन। इन्हां तो ही अनेक आदमी दी रोजी चलदी है। इस तरह गूंद लाख शहद अते होर अनेक चीज़ां जंगलों विच ही आउंदियां हन। अगे देखो कुदरत नूं पता है कि जंगल किसी हद तो वध नहीं होण देणे। कुदरत नूं की पता है कि हद तो वध भी जंगल नहीं होने चाहिए। जद जंगल लोड़ तो वध फैल जाण तां कुदरत उन्हां नूं आप ही जंगली अग नाल खत्म कर देंदी है जो दरख्तां दी रगड़ तो ही पैदा हुंदी है। तुसीं आ चीज़ कहानी तां सुनी ही होगी अमेरिका दे विच होई सी। जंगल वधन दे कारण आटोमैटिकली ही जंगलां विच अग लगी सी ना। इसे तरीके नाल कुदरत नूं पता है कि किन्नी चीज़ दी जरूरत है ते किन्नी दी नहीं गी। अगर आ ज़्यादा जंगल होणगे तां की करूगी कुदरत खुद ही दरख्तां दी रगड़ नाल की करूगी उस जंगलों अग दे नाल तबाह कर दूगी साड़ के कटा दिंदी है। जे जां वड्डे वंडे तेज चखड़ा नाल उन्हां नूं उखाड़ के सुट दिंदी है अते समय नाल मिट्टी थले दब दिंदी है। की हुंदा है अगर वह अग नाल नहीं करदी तां की करदी है जंगलों के विच की हुंदा है चखड़ा नाल जदों तूफान आउंदा है बाढ़ आउंदी है उन्हां नाल वह पुट्टे मतलब की है पट्टे जांदे हन ते पट्टे दे नाल नाल की हुंदा है वह लंबे समय दे तो पहला ही मिट्टी दे विच दब्बे जांदे हन। कुछ चिर पा के दब्बे हुए जंगल धरती की अंदरली गुंजी अग नाल सड़ के कोले दी खान विच बदल जांदे हन। जिस नाल की हुंदा है इहदा भी एक सानू बेनीफिट ही होया है जदों वह पेड़ टुट के धरती दे विच थले नप्पे आते हैं तो उस धरती की गर्मी नाल की हुंदा है वह कोयले दे विच बदल जांदे हन। अगे देखो बदल जाते हैं तुसी जानते हो कि कोला किन्ना वड्डी मनुखी लोड़ है। आज इसका थोनू भी पता ही है अजकल दे समय नू लोहे दे कोले दा युग है। अजकल दा समा जड़ा है वह कोले दा युग ही है। जिस देश विच कोला नहीं वह देश बाकी देशों नालों पिछे रह जाएगा। जिस देश विच कोला ही है नहीं वह देश की है बाकी देशों नालों बहुत पिछे रह जाएगा। जंगलों की महत्ता नू सामने रख के कविया ने साड़ियाँ किकरां बेरियां अते साड़े पीपलां ते बोहड़ां दे गुण गाए हैं अते इन्हां दी रख्या लई मिठी गीत लिखे हैं। इन इसे लई ही अड अड कविया ने की कीता है कि जंगलां दे जड़ी महत्ता है जड़े महत्व है आवश्यकता है ते उन्हां नूं सामने रख के कवि ने की कीता है। इस लई किकर बेरियां पीपलां इन्हां ते सोहणे सोहणे गीत लिखे हैं ते सानू साड़े जंगलों की महत्ता नूं समझाउण दा यतन कीता है। आ सी साड़ा सैकेंड चैप्टर जिसका की नाम सी जंगल दे लाभ। आज लई इन्ना ही।